तो कल आपको प्रिंट प्रीव्यू समझ नहीं आया तो मैं आपको एक बार बताता हूँ। सबसे पहले जो भी मैंने टैली के अंदर कंपनी ऑन करी है वो टैली कंपनी के नाम से कंपनी है। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है सबसे पहले समझिए। जब भी आप टैली के अंदर कोई बिल सेव कर लेते हैं, जैसे आपने एफएड पे कोई बिल सेव कर रखा, उसको बैक में लाना या दोबारा आपको स्क्रीन पे देखना हो, तो मैंने पेजअप बटन दबाया था। क्या बताया था? पेजअप बटन। पेजर एक चीज अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लो, जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे बीजी हो, चाहे टैली हो, मार्क सॉफ्टवेयर हो, फायरफॉक्स हो, स्नैप हो, सभी के अंदर प्रिंट देने की शॉर्टकट की सेम होती है, ओल्ड के साथ पी। किसके साथ? ओल्ड के साथ पी। जब आप किसी को प्रिंट देते हो या प्रिंट देना चाहते हो तो टैली आपसे पूछता है, क्या सर मैं प्रिंट तो दे रहा हूँ लेकिन कुछ चेंजेस करना है आपको। चेंजेस के लिए सबसे पहला मिलता है प्रिंट लैंग्वेज, कि सर आपकी प्रिंट की लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश रखोगे या कौन सी रखोगे, जौन सी आपको लैंग्वेज रखनी नो रख दीजिए। कहता है सर इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है, अगर प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो यहाँ क्लिक करो विद प्रीव्यू पे, और नहीं देखना तो कर दो नो प्रीव्यू। जैसे आप ओके क्लिक करोगे नो प्रीव्यू, यहाँ मिलेगा विद प्रिंट प्रीव्यू। क्या मिलेगा? विद प्रिंट प्रीव्यू। और जैसे आप यस करोगे तो सबसे पहले आपका प्रिंट आएगा, उसके बाद है इसको बड़ा करना है तो नीचे देखो तो कमांड लिखी होती है जेड, इसके साथ ओल्ड के साथ जेड दबा दो तो ये बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। दूसरा, जब भी आप प्रिंट दो, यहाँ पर लिखा हुआ होता है टाइटल, ऊपर क्या चाहते हो, ऊपर इनवॉइस लिख के आता है, आप चाहते हो कि यहाँ पर लिख के आए टैक्स इनवॉइस, इसको कर दोगे। जब भी आप बिल निकालोगे या प्रीव्यू निकालोगे सबसे टॉप पे आपको टैक्स इनवॉइस दिखेगा। क्या दिखेगा टॉप पे आपको? टैक्स इनवॉइस। मैंने हटा रखा है तो इसलिए टैक्स इनवॉइस नहीं दिख रहा। दूसरा, दोबारा आप जब भी प्रिंट दोगे तो यहाँ लिखा होता है पेज नंबर। पेज नंबर क्या होता है? पेज नंबर का मतलब होता है आपकी 10 प्रिंट आउट निकलेंगे एक बार में, लेकिन क्या हुआ गलती से आपका पेज नंबर 5 फट गया आपसे, तो आप खाली पेज नंबर 5 को प्रिंट आउट देना चाहते हो तो खाली पेज नंबर 5 बोल दो बस, तो प्रिंट क्या होगा? 1। खाली आपका एक ही प्रिंट होगा, कितने नंबर? पेज नंबर 5। उसके बाद दोबारा ऑल्ट क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा होता है प्लेन पेपर। प्लेन पेपर का मतलब बिल्कुल प्लेन पेपर पे आएगा, जैसे अभी आ रहा था वो बिल्कुल प्लेन पेपर पे आपको दिख रहा था ना, आपको 1 जूलो रिंग ओके का सर, वो किस पे दिख रहा था? वो प्लेन पेपर पे ना, उसमें यस सर, कोई नहीं आ रहे थे ना, यस सर, 1 जूलो आ रहे थे वो। हेलो, हाँ, अगर आपको प्लेन पेपर पे चाहिए तो ओल्ड पी करके जब भी प्रिंट दोगे तो उस पर क्या क्लिक कर दोगे? यहाँ लिखा होता है प्रिंट प्लेन प्रिंटेड, पे, अगर इस पर क्लिक कर दोगे तो प्लेन हो जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे यस समझ में? इसके बाद कॉपी, कितनी कॉपी निकालनी है, 10 कॉपी, 20 कॉपी, 30 कॉपी, तो यहाँ से डाल दो। कॉपी के साथ साथ गिवन भी होता है, डुप्लीकेट चाहिए, एक्स्ट्रा कॉपी चाहिए, ओरिजिनल कॉपी चाहिए, पार्टिकुलर कॉपी चाहिए, डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, जो भी चाहिए वो कॉपी का नाम आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। क्लियर है? एंड लास्ट बटन होता है यस आपका सिलेक्ट प्रिंटर, जो भी आपको प्रिंटर चाहिए उस प्रिंटर का नाम देके आप इसका प्रिंट आउट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर है? टैली के अंदर ये आपकी यस फैसिलिटी है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं ओके सर, प्रिंट पे। कल की क्लास में हम लोगों ने परचेज सीखी थी, परचेज रिटर्न सीखी थी और डेबिट नोट सीखा था। क्लियर है? साथ साथ हमारी हाँ सर, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट होगा पेमेंट का। क्या स्टार्ट होगा? पेमेंट। सर पेमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम, क्या स्टार्ट करेंगे? पेमेंट। सर आपने शायद कल अभी, सेल क्रेडिट, हाँ हेलो सर, कल आपने सेल क्रेडिट सेल रिटर्न नहीं सिखाया था ना सर? वो तो सिंपल होता है, जैसे परचेज रिटर्न होता है वैसे सेल अच्छा, रिटर्न होता है। ओके सर, ओके, एक चीज याद रखना, देखो जब भी आप परचेज करो या परचेज रिटर्न करो, टैली के अंदर दो तरीके से होती है परचेज, एक अकाउंटिंग मोड और दूसरा होता है वाउचर मोड। क्या होता है? अकाउंटिंग मोड और अकाउंटिंग, दूसरा होता है वाउचर मोड। अकाउंटिंग मोड वो होता है जिसमें अकाउंटिंग मोड वो होता है जिसके अंदर आइटम का नाम नहीं होता। अभी जो आप देख रहे हो अकाउंटिंग मोड है, कौन सा मोड है? अकाउंटिंग मोड, उसके अकाउंटिंग, अंदर आइटम का नेम नहीं आ रहा। अगर आपको आइटम का नाम लाना है तो इसे क्लिक करना पड़ेगा अकाउंटिंग इनवॉइस। जैसे ही क्लिक करोगे, क्या करोगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? एक इनवॉइस मोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? इनवॉइस मोड। ओके
इसके अंदर आपको आइटम का नेम डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ओके अंदर आपको आइटम का नेम डालना पड़ेगा। तो याद रखना, कभी कंफ्यूज मत हो ना कि टैली के अंदर ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है? ओके सर। ये होती है टैली में, एक होती है सिंगल अकाउंटिंग मोड जिसमें आइटम डालनी होती है, जैसे जनरल के लिए होता है, और दूसरा होता है इन्वेंट्री। तो इसलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से करना चाहते हैं। ओके ओके मंजू, समझ आ गया आपको? यस सर। चले ठीक है। सबसे पहले हमें अब क्या करना है, अब हमें पेमेंट करनी है टैली के अंदर। क्लियर है? जब भी पेमेंट करें तो उसके F5 बटन दबा दें। टैली में पेमेंट दो तरीके से की जाती है। कितने तरीके से की जाती है? दो तरीके से। एक होता है सिंगल अकाउंटिंग मोड और दूसरा होता है डबल अकाउंटिंग मोड। सिंगल अकाउंटिंग मोड क्या होता है? जिसके अंदर हमें डेबिट क्रेडिट को ध्यान नहीं रखना होता है, वो कहलाता है हमारा सिंगल अकाउंटिंग मोड। कौन सा कहलाता है? वो हमारा सिंगल सिंगल अकाउंट मोड कहलाता है। No. अभी जो आप पेमेंट देख रहे हो टैली के अंदर, ये सिंगल अकाउंटिंग मोड पे होने। कौन से मोड पे होने? सिंगल अकाउंटिंग मोड पे होने। यहाँ कहीं आपको ना तो डेबिट दिख रहा ना ही क्रेडिट दिख रहा। ऐसी फैसिलिटी आपको टैली इसलिए देता है कि वो ही सोचते हैं कि आप लोग अकाउंट साइज पे नहीं हो, आपको डेबिट क्रेडिट में गलती होती है, तो वो क्या करते हैं इसमें सिंगल मोड। उसने कहा कि जो भी आपका बैंक या कैश है उसको ऊपर डाल दो, पेमेंट कर रहे हो उसका नाम दूसरा। समझ आया मैंने बोला कि आप लोगों को? मैंने ये बोला, टैली वालों ने ये कहा कि अगर जब भी आप किसी को पेमेंट दो तो ऊपर उस पेमेंट का नाम डाल दो और नीचे क्या डाल दो, ऐसे जिसको आप पैसा दे। ये कहलाता है सिंगल अकाउंटिंग मोड। कौन सा मोड कहलाता है? ये सिंगल अकाउंटिंग, सिंगल अकाउंटिंग। टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट सिंगल अकाउंटिंग मोड ही अनेबल होता है। कौन सा मोड अनेबल होता है? सिंगल अकाउंटिंग मोड अनेबल होता है। अगर आपको टैली को डबल अकाउंटिंग मोड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको F12 बटन दबाना पड़ेगा। जैसे ही F12 बटन दबाओगे तो सबसे नीचे गिवन होगा, यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा होता है डबल अकाउंटिंग मोड। यहाँ लिखा ना यूज सिंगल एंट्री मोड पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा वाउचर। अगर आप इसको नो कर दोगे तो आप बन जाएगा डबल अकाउंटिंग मोड। क्या बन? डबल अकाउंटिंग। सर ये बाय और टू क्यों आ रहा है? बाय बोले तो डेबिट होता है या टू बोले, सॉरी बाय बोले क्रेडिट होता है और टू बोले डेबिट होता है। सर यहाँ डीआर और सीआर नहीं आ सकता? अगर आपको डीआर और सीआर लाना है तो दोबारा F12 दबाओ। F12 दबाओगे तो आपको यहाँ से मिलेगा यूज सीआर डीआर इंस्टेड ऑफ टू और बाय के। कहते हैं अगर आपको टू और बाय की जगह सीआर डीआर को यूज करना है तो इस जगह आपको यस। जो दो आपके टू थे और बाय थे वो कन्वर्ट होके किसमें बन जाएंगे? डीआर और सीआर। ये डीआर के बारे में, डीआर का मतलब होता है जिसको आप पैसा दोगे वो डीआर होता है और जिससे पैसा लेना होता है वो सीआर होता है। जिसको पैसा देना है वो डीआर और जिससे पैसा, सॉरी डीआर का मतलब होता है जिसको पैसा मिलता है और सीआर का मतलब होता है जिसके पास से पैसा जाता है। समझ आ रहा है आपको? यस सर। डीआर का मतलब होता है जिसको पैसा मिलता है और सीआर का मतलब होता है जिसके पास जाता है। जैसे अगर मैं ऐसे को पेमेंट कर रहा हूँ, कितने 5000, 1200 रुपए। देखो यहाँ डीआर आ गया, ऑटोमेटिक नीचे डाल देना आपको कैश, ठीक है? आपके पास से 12000। और ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है या रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि बता रहा है आपके पास पैसा नहीं है कैश, आप इसको पेमेंट करने जा रहे हैं। तो जब भी हम इसको पेमेंट करेंगे तो मैसेज आएगा, देखो यहाँ पर आया था कि योर बैलेंस इज नेगेटिव। क्लियर है? तो आप इस तरीके से समझा सकते हैं। जब भी रिसीव और पेमेंट करें तो एक चीज अपने मन में बिल्कुल सेट कर लें, सबसे पहले मुझे पार्टी का नाम टाइप करना है, जो भी मेरी पार्टी का नाम हो। जैसे पी है ये डाल दो, कितना 1200। नीचे क्या डालोगे? कैश या बैंक। क्लियर है? अभी कैश दे तो कैश डाल दो, जैसे ही करोगे तो एक मैसेज आ जाएगा नेगेटिव कैश 2400 रुपए, एंटर मारोगे तो ये हट जाएगा। ओके ओके इसको कर दो सेव।
किया रे, यस सर, ये कहलाती है आपकी पेमेंट, क्लियर है। और भी कुछ चीजें यस अनेबल सर, करते हो यहाँ F12 पढ़ के कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, बट होता क्या है कि हमें इन टॉपिकों की इतनी जरूरत नहीं होती, इसलिए हम अनेबल नहीं करते। बस हमें अगर सिंगल अकाउंटिंग मोड पे करना होता तो यहाँ पर कर देते हैं यस, और अगर DR CR की जगह हमें प्रो बाय चाहिए होता है तो हम इस टॉपिक का यूज कर लेते हैं, CR और DR का, क्लियर है। यस सर, आगे लेकिन मैं आपको अभी सिखाता हूं कि कब आपको कैश को डेबिट करना है और कब आपको बैंक को डेबिट करना है। क्या वंजुल आपको पता है अकाउंटिंग कितने तरह की होती है, ये अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं? नो सर, वंजुल आपको पता है? अच्छा, पर दो तरह से होती है, क्रेडिट और कैश। हैं अकाउंट टाइप पूछे थे मैंने, नॉमिनल और पर्सनल, पर्सनल और इनपर्सनल। हाँ। अब ये सीखते हैं, अकाउंटिंग हमारे दो तरह के होते हैं अकाउंट्स, ठीक है। एक होता है पर्सनल और दूसरा होता है इम्पर्सनल। कौन सा होता है अकाउंट हमारा? एक पर्सनल होता है और एक होता है इम्पर्सनल। पर्सनल हमेशा किसी के नाम से जुड़ा होता है, पर्सनल हमेशा किसी के नाम से जुड़ा होता है, और इम्पर्सनल किसी के नाम से नहीं जुड़ा होता, ठीक है। पर्सनल किससे जुड़ा होता है? किसी फर्म के नाम से जुड़ा होता है, जैसे ABCD, ये सब किसमें जाते हैं? पर्सनल में। इम्पर्सनल कौन सा होता है? जो नाम से नहीं जुड़ा होता। अब इम्पर्सनल के दो पार्ट होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। कौन से पार्ट होते हैं? रियल अकाउंट और नॉमिनल। तो हमने सीखा अकाउंट दो तरह के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल नाम से रिलेटेड होते हैं, इम्पर्सनल नाम से रिलेटेड नहीं होते। इम्पर्सनल के दो पार्ट होते हैं, रियल और नॉमिनल। कौन से होते हैं? रियल और नॉमिनल। पर्सनल हमेशा किसी नाम से जुड़ा होता है, कमल, रोहित, मोहित, एके सॉफ्टवेयर, सुमित, रिया, नेहा और गीता, ये सारे किसी फर्म के नाम से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये सारे कहलाते हैं पर्सनल। रियल अकाउंट सिंपल सा होता है कि लिखा होता है ऑल असेट्स अदर देन डेब्टर्स। कहता है सारी संपत्ति या जो कंपनी की असेट्स होती है में से माइनस कर दो डेप्टर्स को, वो सभी क्या बन जाती है? रियल अकाउंट। क्या बन जाते हैं वो सारे? रियल अकाउंट। रियल सर ऐसा क्यों कहा गया कि डेप्टर्स को हटा दो? क्योंकि डेप्टर किसी नाम से जुड़े होते हैं। हमसे जो पार्टी माल लेने आती है उनका एक नाम होता है ना, ABCD, कुछ भी नाम होता है ना उनका, तो इसलिए वो रियल अकाउंट कहलाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? वो अदर देन डेप्टर्स बोला गया है। आ गया कि ऑल असेट्स अदर देन डेप्टर्स, मतलब डेप्टर्स को हटा दो और बाकी सारी चीजें क्या बन जाएंगी? आपकी असेट्स। समझ में आया? रिपीट करो दोबारा। सर, ये रियल अकाउंट रिपीट कर दीजिए। रियल अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि इस अकाउंट्स के अंदर डेप्टर्स को छोड़ के जितनी कंपनी की असेट्स हैं, जैसे कैश, कंपनी की बिल्डिंग, कंपनी की मशीनरी, कंपनी का बैंक अकाउंट, कंपनी का स्टॉक, वो सभी कंपनी के लिए क्या होती? असेट्स होती, संपत्ति होती, क्लियर है। उन सभी संपत्ति को क्या बोला जाता है? रियल अकाउंट। क्या बोला जाता है? रियल अकाउंट। अकाउंट लेकिन इसमें क्वेश्चन गिवन है कि उसमें से माइनस कर दो या हटा दो अदर देन डेप्टर्स। क्या हटा दो आप उसके अंदर से? अदर देन डेप्टर्स को हटा दो। डेप्टर्स को हटा दो, सारी चीजें क्या बन जाएंगी? आपका रियल अकाउंट। क्या बन जाएंगी आपकी? रियल अकाउंट। अकाउंट नॉमिनल की डेफिनेशन सिंपल सी होती है, सारे खर्चे और इनकम किसके अंदर आती है? नॉमिनल के अंदर। किसके अंदर आती है? नॉमिनल के अंदर। नॉमिनल। इनकी अपनी एक थ्योरी भी है कि पर्सनल का मतलब होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, कि जिसको पैसा मिले उसको डेबिट करो और जिसके पास से पैसा जाए उसको क्रेडिट करो। मतलब अगर आप मुझे पैसा दोगे तो मैं डेबिट हो जाऊंगा और आप क्रेडिट हो जाओगे, नॉमिनल। अगर मैं आपको पैसा दूंगा तो आप डेबिट हो जाओगे, मैं क्रेडिट हो जाऊंगा। मतलब जिसको मिले वो डेबिट और जिसके पास से जाए वो क्रेडिट। इसकी डेफिनेशन कहलाती है, पर्सनल। रियल की डेफिनेशन होती है कि जो भी असेट्स आए
सभी को डेबिट करो और जो भी असेट्स जाए सभी को क्रेडिट करो। अगर आप कोई आइटम परचेज करते हो तो वो डेबिट होगी हमेशा, और जब भी कोई आइटम आप सेल करते हो तो हमेशा क्रेडिट होगी। ये सिंपल सी बात है, जब भी कैश बैंक परचेज करो तो सब डेबिट करो, और जब आपके पास से पैसा जाए तो उन सभी को क्रेडिट कर दो, चाहे गुड्स जाए, चाहे आपका कैश जाए, चाहे आपका बैंक जाए, सभी को क्या कर दो, डेबिट कर दो। और नॉमिनल की सिंपल सी डेफिनेशन है कि सारे खर्चे डेबिट होते हैं। कभी भी कोई भी आपसे कुछ भी पूछे तो सिंपल सी थ्योरी बोलोगे, ऑल एक्सपेंस आर डेबिट एंड ऑल इनकम आर क्रेडिट, मतलब सारे खर्चे डेबिट कीजिए और सारी इनकम को क्रेडिट कीजिए। आपके सारे खर्चे हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे, और सारी इनकम क्या होगी, क्रेडिट। अगर कोई बोल दे मुझे इनकम हो रही है तो सोचना नहीं है सामने वाले को, आपको पैसा मिलेगा तो कैश या बैंक को डेबिट कर देना, और जो भी इनकम का नाम है उसको क्रेडिट कर देना। समझ आ गया, दोबारा रिपीट करो। नो सर, आ गया, क्लियर है। अब एक एग्जांपल बताता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ आपको, यहाँ से समझना। जैसे कभी भी हम कैश और बैंक बुक करते हैं ना तो कंफ्यूजन होती है सर, किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। तो जब भी कभी आप कैश या बैंक बुक करेंगे, जो रिसीव साइड होगी उसके अंदर हमेशा कैश को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे हम, कैश को डेबिट करेंगे, और जब भी हमारी पेमेंट साइड होगी उसको हमेशा कैश को क्रेडिट करेंगे। सर क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि जब भी हम कैश या बैंक बुक का काम करते हैं तो हर एंट्री के अंदर इन नामों का आना जरूरी है। अगर आप एस आलम को पैसा दे रहा है, आपको एस आलम 5,000 रुपए, तो बाय कैश दे रहा है, क्योंकि आपने उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ करी है, कैश बुक में करी। किसमें करी है आपने, कैश बुक में। अब जब भी आपको पैसा मिले तो आप इसको डेबिट करो और जो ये नाम है इसको क्रेडिट कर दो, और जब भी आप पेमेंट करो तो इसको क्रेडिट करो, सामने वाले को डेबिट कर दो। आपको अकाउंटिंग नहीं आती, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। रिसीव करो तो ये चीज ऊपर गिवन होती है, इसको डेबिट करो, क्लियर है, और जब पेमेंट करो तो इसको क्रेडिट कर दो, सामने वाले को डेबिट कर दो। ऐसा आपका चाहिए बैंक, जब आप बैंक बुक करोगे तो ये वाली चीजें दोनों डेबिट हो जाएंगी, ये विड्रॉल माने पेमेंट होती, डिपॉजिट माने रिसीव होती। जब भी किसी को पेमेंट करोगे तो ये सामने वाला क्रेडिट हो जाएगा और ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और जब भी रिसीव होगी तो ये आपका डेबिट और ये वाला आपका क्रेडिट। सर जैसे हमने विड्रॉ किया है तो ये हमने विड्रॉ किया तो सर हमारा क्रेडिट हो गया, ये क्रेडिट हो जाएगा और ये डेबिट हो जाएगा। विड्रॉ का मतलब होता है पैसा निकालना, जब भी पैसा फर्म से कम होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, और जब भी पैसा बढ़ता है, ठीक है, या प्लस होता है वो हमेशा डेबिट होता है। इतना सा मन में रखिए और बाकी कोई चीज की दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। यस बस इसी। अगर आप ये रूल भी नहीं समझ सकते तो टैली और बीजी के अंदर सिंपल सा रूल होता है, जब भी तुम किसी को पेमेंट दोगे तो हमेशा सबसे पहले उसका नाम डाल दो और नीचे कैश और बैंक डाल दो। नीचे क्या कर दो आप, कैश और बैंक डाल दो, बैंक डाल और यहाँ डाल दो। रिसीव करोगे तो देखो यहाँ डीआर होता है, रिसीव करते यहाँ पर सीआर आ जाता है। सर सीआर क्यों आ जाता है, क्योंकि उसके पास से पैसा जा रहा है और आपके पास पैसा आ रहा है, तो हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में यही चीज को मेंशन किया जाता है कि वो अपने यूजर को सिंपल काम करने को दें, ताकि उन लोगों को कॉम्प्लिकेशन ना हो, चाहे वो परेशान ना हो। तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग ऐसा करते हैं, क्लियर है। सब विड्रॉ करके दिखाना, तो विड्रॉ करके पेमेंट पे जाओ, पेमेंट पे गए, अब आपको विड्रॉ करना है। आप किसको पैसा दे रहे हो, एडी को पैसा दे रहे हो, कितना, 1200 रुपए, ठीक है।
कैसे दे रहे हो भाई? बैंक दे रहे हो तो ओल्ड सी करके एक बैंक बना लो पीएनबी का, ग्रुप में बैंक अकाउंट डाल दो ओके और कंट्रोल ए करके उसको सेव कर दो। आ गया, ये विड्रॉ हो गई, खत्म। कहता चेक नंबर है, चेक नंबर है तो डालो, नहीं है तो आगे बढ़ जाओ, खत्म। हो गई विड्रॉ की एंट्री। सर, अगर हम पर्सनल यूज के लिए निकाले सर, तो पर्सनल यूज के निकालोगे तो आपकी ड्राइंग कम होगी ना, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। ड्राइंग, हाँ ओके सर, तो उसमें भी क्या प्रॉब्लम है? जो भी पैसा लेके जा रहा है उसका नाम ऊपर डाल दो ना और नीचे कैश हाँ अकाउंट, सर, ऊपर ड्राइंग आ, हाँ सर ऊपर ड्राइंग हो जाएगा, बस खत्म ओके करो। क्लियर ओके सर, है? ये चीज आपको याद यस रखनी सर, है, जब भी रिसीव और पेमेंट करो तो इन चीजों को याद रख लो कि सबसे पहले मुझे पार्टी का नाम टाइप करना है और बाद में कैश और बैंक टाइप करना है। अगर ये नहीं आता समझ में, अकाउंटिंग आती है तो सिंपल प्रोसेस जानते हो, जिसको पैसा मिलता है वो डेबिट होता है और जिसके पास से पैसा जाता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या ओके बस यही चीज आपको अपने मन में रखनी है, अगर आप ये कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? ये कहलाती है यस हमारी सर, रिसीव पेमेंट। क्या कहलाता है हमारा? रिसीव और पेमेंट कहलाता है। क्लियर है? पेमेंट के साथ साथ हम यस आज अपना कॉन्ट्रा भी कवर कर लेते हैं। कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मतलब होता है जब आपकी बैंक बिजनेस टू बिजनेस एंट्री होती है तो उसे कॉन्ट्रा कहते हैं। मतलब बिजनेस टू बिजनेस मतलब आपका एक पैसा किसी दूसरे मोड में ट्रांसफर होती है, वो कॉन्ट्रा कहलाती है। सर कहना क्या चाहते हैं आप? सर कहना ये चाहता हूं कि आपका एक पैसा दूसरे पैसे में ट्रांसफर होता है, आपके एक कैश में पड़ा है 1 लाख रुपए और आप इसी पैसे को बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं 50,000 रुपए, अपना कैश बैलेंस को कम करना चाहते हैं और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रा होती है। क्या होती है? उस कंडीशन में कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा जब आपकी फर्म का पैसा किसी दूसरे मोड में ट्रांसफर हो जाए, कैश से बैंक में या बैंक से कैश में, तो क्या कहलाता है आपका? कॉन्ट्रा। क्लियर है? या फिर आपका बैलेंस बैंक टू बैंक भी ट्रांसफर हो जाए, मैं पीएनबी का बैलेंस एसबीआई में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास दो अकाउंट है, मैं अपने पीएनबी का बैलेंस उठा के किसमें डालना चाहता हूँ? एसबीआई एसबीआई में, तो कॉन्ट्रा होगी। मतलब किसी दूसरी पार्टी या किसी दूसरे नाम का इन्वॉल्व नहीं हो वो कॉन्ट्रा कहलाती है। जैसे मेरे ही फर्म के पैसों की बात की जाए, चाहे उसको बढ़ाना हो चाहे उसको घटाना हो, तो हम क्या यूज करते हैं? कॉन्ट्रा। क्या यूज करते हैं हम लोग? कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा। सिंपल है कॉन्ट्रा की, जब भी एंट्री करो तो जो चीज आपके पास आए उसको डेबिट करो और जो चीज जाए वो क्रेडिट। अगर आप फर्म से पैसा निकाल रहे हो या बैंक में पैसा डाल रहे हो तो देखो यहाँ पर सी आ रहा है, इसका मतलब कैश को कम करना है, किसको बढ़ाना है? बैंक को बढ़ाना है, क्योंकि जिसके आगे डीआर होता है उसको बैलेंस को प्लस करना होता है या बढ़ाना होता है। हेलो, ओके सर, ओके बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? ये कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और बस को कर दो सेव। कॉन्ट्रा की सिंपल सी डेफिनेशन थी, जब आपका कैश और बैंक की बात की जाए या बैंक टू बैंक की बात की जाए, आपके फर्म के पैसों की बात की जाए, देन आप यूज कर लो कॉन्ट्रा। बाकी सभी केसेस में रिसीव और पेमेंट यूज करो। बाकी सभी केसेस में क्या यूज करो आप? रिसीव और पेमेंट टॉपिक को यूज, ठीक है? और दूसरा सिंपल सा लॉजिक ये रखना, जब भी आप कैश या बैंक बुक करें ना, जब भी विड्रॉ लो तो हमेशा बैंक को क्रेडिट करो, और जब भी डिपॉजिट हो तो इसको डेबिट करो, और जो उसके नाम लिखा हो सामने उसको क्या कर दो? क्रेडिट। जब भी पैसा बढ़ेगा तो ये डेबिट हो जाएगा और जब भी पैसा घटेगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है?
बैंक बुक की बात करो तो हर एंट्री में बैंक का नाम आना जरूरी है, और अगर आप कैश बुक की बात करोगे तो हर एंट्री में कैश का आना जरूरी है। क्लियर है? तो टैली के अंदर ये याद रखना, अगर कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर आपका सिंगल मोड है तो उसके डबल मोड में करने के लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले F12 दबाओगे और यहाँ से ये जो अनेबल है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा वाउचर, इस टॉपिक को क्या कर दोगे यस, अगर सिंगल मोड चाहते हो, और डबल मोड चाहते हो तो इस टॉपिक को नो कर देना। दूसरा कहता है कि यूज क्रेडिट नोट, लिखा होता है यूज CRDR इंस्टीट ऑफ टू और बाय, कहता है जहाँ टू और बाय लिखा होता है उसकी जगह आप क्या देखना चाहते हो CRDR, तो आप इस टॉपिक को यस कर देना। दूसरा आप चाहते हो कि मुझे नेगेटिव का मैसेज आए, शो करें नेगेटिव का मैसेज आए तो इस टॉपिक को नो यस कर दो, आप चाहते हो नेगेटिव का मैसेज ना आए तो इस टॉपिक को नो कर देना। क्लियर है? तो आपको नेगेटिव का मैसेज आएगा ही नहीं। क्लियर है? तो ये आज का टॉपिक था जिस टॉपिक में हमने रिसीव पेमेंट और कॉन्ट्रा के बारे में डिस्कस किया। क्लियर है? मैं ये दोनों आपको शीट आपको दे देता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करके एक बार मुझे चेकआउट करा देना। ओके सर, सर वीडियो भेज